नमस्ते दोस्तों, तो नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हूँ मैं कैसाब्लांका मोरक्को में और आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मर्रकेश। हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन कैसाब्लांका से, जो कि हमें कुछ 2.5 घंटे के करीब में हमें पहुँचा देगी मर्रकेश। हम लोगों ने कल ट्रेन की टिकट खरीदी थी, वो थी ऑलमोस्ट इंडिया के 1000 रुपये की। अभी सुबह सुबह का टाइम है, यहीं पर ये था हमारा होटल जो हम लोगों ने 2 दिन का $60 में किया हुआ था। इन लोगों का खाना इतना अच्छा था, हम लोगों ने सोचा कि सुबह सुबह इन्हीं का ही खाना खा के जाएंगे। तो अभी मैंने पूछा है कितने बजे खुलेगा, तो 12 बजे ही खुलेगा। आ जाओ भाई, 12 बजे खुलेगा। इतनी देर तक क्या करेंगे भाई, वो सफाई कर रहे हैं, साफ सुथरा करके खाना बनाते हैं यहाँ पे। तो ये है भाई यहाँ का मैकडोनल्ड, जो मैंने कल भी खाया था, अब इसी पे ही आ गए हम लोग खाने के लिए। तो ये है भाई रैप, कुछ इस तरीके से दिखता है और ये $5 का पड़ा है। मैकडोनल्ड से खाना खा लिया यार, और थोड़ा सा ना जी खराब हो गया। सुबह सुबह नहीं खाया जाता मैकडोनल्ड वगैरह से खाना। तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं, टैक्सी आएगी और फिर हमें वो लेके जाएगी स्टेशन की तरफ। है कि मैं किसी भी कंट्री में ट्रैवल करूंगा ना, तो मेरा रहेगा ज़्यादातर दिन में एटलीस्ट एक बार वहाँ का लोकल खाना मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो जैसे कल मैंने आप लोगों को लोकल खाना दिखा दिया था रात को, आज सुबह सुबह अगर हमारे पास टाइम होता ना, तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, तो वो दिखाते हैं। ये आ गई भाई हमारी टैक्सी। हम लोग है ना वीडियो बना रहे थे ना, तो एक लड़की थी वो आई और हमें बोलने लगी कि भैया टेक केयर ऑफ योर फोन्स। तो हमें लगा पता नहीं क्यों बोल रही है, और एकदम से फिर गाड़ी में बैठ के चली गई वो। तो हो सकता है यहाँ पे लोग या तो फोन वगैरह चुराते। तो यहाँ से हमारी जो है ट्रेन मिलेगी, तो चलते हैं। चलते चलते यहाँ पे मेरे को दिख गए हैं अपने RV। तो भाई देख लो ये खड़ा हुआ, मेरे को तो अपनी बसंती की याद आ गई है। मेरी कोशिश है अपनी बसंती से ना पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने की, बट बसंती से ना ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। फ्रांस की है, तो देख लो भाई यूरोप से आए हुए हैं बंदे ट्रैवल करने के लिए, यहीं पर ही सो रहे होंगे। पूरा हुकअप मिला हुआ है इनको बिजली वगैरह सब चीज़ों का। तो यही है भाई, कभी हमें भी चांस मिलेगा ना जिससे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बसंती के साथ ट्रैवल करना, तो पूरी बसंती को एक एक कंट्री में घुमा देंगे। हमारी ट्रेन ये 12:35 वाली मर्रकेश नंबर 6 प्लेटफॉर्म पे आई है। ये टिकट है जो कल ली थी हमने, इस टिकट की कॉस्ट थी $13, मतलब इंडिया के 1000 रुपये के करीब में। तो यहाँ के प्लेटफॉर्म जो है ना, ये नहीं है कि आपने टिकट ले ली तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। जिस प्लेटफॉर्म की टिकट ली है वहाँ पे जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, अगर 6 पे आ रही है तो ऊपर है ना वो खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड, वो टिकट चेक करेंगे और फिर बोलेंगे इस वाले पे जा सकते या नहीं जा सकते। ये भी अच्छा किया हुआ है, फालतू की पब्लिक आके नहीं खड़ी हुई यहाँ पे कि यहाँ पे 10 लोग छोड़ने के लिए आए हुए हैं, वही लोग हैं जो ट्रेन में जाएंगे, इससे चोरी भी कम होगी। और ये देख लो भाई, ये फास्ट ट्रेन लग रही है इनकी, जैसे बुलेट ट्रेन होती है। क्या पता कोई टिकट लेके चोरी करने आ जाए। टिकट लेके चोरी करने आ जाए दूसरी बात है, एटलीस्ट कम से कम अपने 1000 रुपये तो लगाएगा। तो भाई अभी आएगी यहाँ पे ट्रेन, ये इनकी मालगाड़ी आ गई। जैसा कि आप लोग को पता है, जो अफ्रीका है ना बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी कंट्री हैं, उसमें हर कंट्रियों में ट्रेन नहीं चलती है, कुछ ही जो कंट्री है उसमें ट्रेन चलती है। उनमें से जो सबसे अच्छी जो ट्रेन है ना वो मानी जाती है यहाँ पे मोरक्को की। ये आ गई है हमारी ट्रेन, मेरे को तो लग रहा था ये वाली आएगी, बट भाई ये तो ये बात हो गई है कि यहाँ पे इन्होंने खड़ी तो पीछे ये वाली ट्रेन कर रखी है दिखाने के लिए, और बिठाने के लिए ये वाली है। कोई बात नहीं, चलो बैठ जाते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने सामान रखने का बनाया हुआ है, और सामने एक ट्रे है, इसमें ये ऐसे खुलती है भाई। यार ये चीज़ अच्छी लगी कि बिल्कुल ट्रेन टाइम पे चल पड़ी, मतलब 1 सेकंड भी लेट नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर पहले आया था खाने वाला, अब ये आ गया, टीटी आ गया यहाँ पे ना टिकट चेक करने के लिए। तो मैंने ना भाई की टिकट छुपा ली है, और अब देखते हैं। ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, चलो दे देता हूँ यार। टीटी आए, मैं ये तो भाई बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है, टीटी भी हंसने लग गया। आज तो आप जेल में जाते भाई भाई। बट एक चीज़ मैंने देखा है, यहाँ के जो स्टाफ वगैरह लोग वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, और मतलब सब हंसते हैं यार। जैसे आप बात कर रहे हो, हम लोग जिस रेस्टोरेंट में भी गए थे ना, वो भी लोग बहुत फ्रेंडली थे, और जैसे ही उनको पता चलता है कि भाई देसी लोग हैं इंडिया से आए हुए, तो और भी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, स्माइल बहुत अच्छी रहती है इनके लोगों के चेहरे पे। जैसे टीटी भी था, उसका भले ही चाहे मैंने कुछ सेकंड वेस्ट कर दिए, बट भाई वो हंस रहा था, एंजॉय कर रहा था। तो भाई अभी हमारा आ गया है स्टेशन। भाई ये ट्रेन थी जो अभी हम लोग पकड़ के आए हैं,
अब हम लोग यहाँ से ना बस पकड़ के जाएंगे जहाँ पे हमने अपना आज के लिए होटल बुक किया है। होटल नहीं है, मोटल है, जो कि हम लोगों ने किया है अभी $44 का। शायद वहाँ पे जाके कोई फीस वगैरह है वो भी देनी पड़ेगी। और ये था पीछे स्टेशन का नज़ारा, और ये देख लो चारों तरफ। तो ये वाली जो सिटी है ना, बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच में बनी हुई है। अभी आने वाले दिनों में हमारा प्लान है कि हम लोग कोई टूर लेंगे जो हमें पूरा रेगिस्तान के अंदर लेके जाएगा। पे ना एक चीज़ है, जो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए ना, तो पूरे मतलब मोरक्को के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे टैक्सियाँ हर जगह मिल जाएंगी और रीजनेबल प्राइस है टैक्सियों का, बसों का रीजनेबल प्राइस है। तो हमारी ये बस भी आ गई है नंबर 5, इसमें जाएंगे हम लोग। बस दिखा देता हूँ, चलो भाई। तो उससे ही टिकट लेनी पड़ेगी। ये लो, थैंक यू। तो भाई ये दे दिए इन्होंने टिकट, 4-4 दिरहम की है, 8 दिरहम हो गए हैं। तो यहाँ की जो बसें हैं ना, इसमें कंडक्टर वगैरह नहीं है, ड्राइवर ही कंडक्टर है, और भैया वही चला रहा है, वही पूरी जो बस की टेक केयर कर रहा है। ये भी चीज़ अच्छी है, जैसे ही आगे से आप चढ़ोगे उसी टाइम वो टिकट दे देगा। बस जब तक नहीं चलाएगा वो, जब तक सब बंदों को टिकट नहीं दे देगा। ये भी सही है यार, मतलब कंडक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, बंदा एक ही टिकट वगैरह दे रहा है। और इसमें क्या है कि एक ही है इनका जो फेयर है ना, चाहे आपने यहाँ से लिया है तो जहाँ तक ये बस जा रही है ना एंड तक, एक ही फेयर है, चाहे अगले स्टॉप पे जाओ चाहे एंड तक जाओ। ये भाई जो सामने आप लोग देख रहे हैं ना, ये मदीना है और हम लोग मदीने में ही रुके हुए हैं। बहुत ही बड़ा इन्होंने मदीना बनाया। कंट्री के अंदर हमें आज 3 दिन हो गए हैं, और चारों तरफ इस तरीके से ना पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले भैया हर जगह पे खड़े हुए हैं। ये जो है ना भाई, पूरा मेन मार्केट एरिया है। यहाँ पे देखो गेम भी खिला रहे हैं, ये बॉल से उसको बोतलों को गिराना है। यहाँ पे ना फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज है इस कंट्री के अंदर। ये भाई को है ना जूस टेस्ट करा रहा है कि कैसा है, देखते हैं। हिंदी आता है? Team to India? Yeah, I like it, India. Okay. I like it, my India. I love my India. I love my India. भाई कमाल कर दी। I love my India. You like Marrakesh? Oh yeah. It's first time. This is first time. I love it. It's very nice. People it's are very friendly. It's very nice and very crazy. Yeah. Yeah. It's very nice and very crazy. I like that. It's. But it's not expensive. Yeah. It's very good. But it's not expensive. Me? I like casual. Really? You like casual? Yeah. तो भाई यहाँ पे ना बॉलीवुड का बहुत ही ज्यादा क्रेज है लोगों में। Casual is here. भाई कह रहे काजोल मेरे दिल में। She is married. मेरी किसी ने She is married. Oh, you break my heart. You break my heart. Oh, भाई. भाई अभी जो जूस वाले बंदे थे ना, देख लो उन्होंने यार कितने गाने वगैरह गा दिए। मैं तो खुद हैरान हो गया ये देख के कि मतलब बंदों के यार पूरे गाने याद है, मुझे गाना याद नहीं है, वो उनको पूरा याद था गाना। तो मज़ा आया। फिर बंदों ने बोला कि भाई इंडिया से आए हो तो पीछे की तरफ बुला के, और फिर कह रहे कि अब गाना गाएंगे तुम्हारे लिए। भाई और मेरे लिए उन्होंने गाना गाया, आई लव माई इंडिया। क्या भाई यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ना काफ़ी इज्जत कर रहे हैं, जैसे ही वो सुनते हैं कि भाई अपने देसी इंडियन बंदे आए हुए हैं तो काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे थे। अच्छा लगा यार मेरे को देख। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसा लगा। वो बंदे कह रहे थे हम लोग देखेंगे, कमेंट भी पढ़ेंगे, तो आप लोग उनको हाई हेलो कर सकते हैं। ये जो सिटी है ना, इसका जो वाइब है ना बिल्कुल ही अलग है। मतलब जैसे हम लोग पहले गए कासाब्लांका, वहाँ पे भी थे थोड़े बहुत टूरिस्ट थे, और वहाँ पे भी मतलब थी, मतलब लाइफ आपको लगेगी कि हाँ थोड़ी एक्टिव है, मगर भाई इसके मुकाबले में तो मैं बोलूँगा वो 5% भी नहीं है। भाई जब से मैं वॉक कर रहा हूँ ना, तो इस कंट्री के अंदर मैंने इस तरीके से चीज़ें बहुत सारी बिकती हुई देखी हैं। ये देखो इन्होंने लैंप वगैरह ना इस तरीके से ही में ही दिखते हैं ये। और ये देख लो भाई, ये इनका कार्ट है, यहाँ पर गाड़ियाँ तो चलती नहीं है, इसमें सामान लेके जाते हैं। ये गुफाओं में से हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। मैं बता रहा हूँ अगर 6 फुट से ऊपर हो ना तो झुकना ही पड़ेगा। ये जो सिटी है ना, ये बहुत पुराने टाइम की बनी हुई है, और इसको उस टाइम में ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि भैया चारों तरफ इसके वॉल बना दी थी कि अगर कोई भी अटैक वगैरह करेगा ना तो सब लोग है ना सिटी के अंदर ही रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे भैया पतली पतली सी गलियाँ हैं। और ये देखो 5 मिनट हो गए और इसी तरीके से पतली पतली गलियाँ आ रही हैं। चचा जान तो अभी मेरे ऊपर चढ़ा देते स्कूटर। आप लोगों ने देखी ना टाइगर, धूम, बहुत सारी मूवी है, जैसे जेम्स बॉन्ड की भी मूवी है, वो भी यहाँ पे शूट हो रखी है।
तो यहाँ पे बहुत सारी मूवीज हैं जो शूट होती हैं। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे जो नंबर 27 ये आ गए हैं, ये है अंदर से रूम। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बंग बेड डले हुए हैं यहाँ पर, और ये भाई ने ये वाला ले लिया है। पहले उन भाई साहब ने कहा कि ऊपर वाले ले लो, मैंने बोला भाई ऊपर वाले दो बंदे ऐसे देते हैं हमें। तो ये है इतना सा, और इन दोनों का दो नाइट का भाई कितना दिया है हमने, का हो गया टोटल $50 $55 के करीब हुआ है टोटल इनका। अब आते हैं होटल के रिव्यू की बात। तो होटल वालों ने ना बहुत ही ज़्यादा फेक उन्होंने अपने रिव्यू डाल रखे हैं उस पर, और सारी फेक फ़ोटो डाल रखी है। मतलब हम ऐसे ले रखी है, हर चीज़ आप लोगों को बड़ी बड़ी दिखेगी। यार बाथरूम वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मेरे बेड पे तो इतने बाल वगैरह पड़े हुए थे, मैंने उसको बोला कि भाई ये दूसरे वाला बेड दो, इस पर तो मैं सो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। मैं तो अभी चाहे मेरे को दूसरा होटल करना पड़ जाए। तो उस बंदे ने कहा कि कोई नहीं, ये वाला दूसरे वाला बेड ले लो। तो मेरे को वो बेड अब सही लगा, ठीक है। पैसे भी उसको दे दिए अलग से 10, मतलब पहले हम लोगों ने दिए थे 45 के करीब है ना, ऑनलाइन बुकिंग की थी। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद उसने 10 यूरो अलग से मांग लिए, कह रहा है कि सिटी टैक्स है। मुझे पता है सिटी टैक्स वगैरह कोई नहीं देने वाला, वो उसकी जेब में ही जा रहे हैं वो पैसे। तो यहीं पर ही पास में है ना एक इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। तो ज़्यादातर घर वगैरह है ना, इनकी दीवारें इस तरीके से ढह रही हैं या टूटने वाली हैं। अब ये देखो ये भी पूरा टूटने वाला है, तो इन्होंने ये लकड़ पत्थर से भैया इसको रोका हुआ है। ये देख लो कितने सारे लकड़ लगाए हुए हैं भाई। थोड़ा डेंजरस तो है यहाँ पे, मतलब मैं बता रहा हूँ हल्का फुल्का भूकंप आएगा ना तो यहाँ पे गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है। ये देख लो सारा ही लकड़ लगा हुआ है, ये नीचे इसी की सपोर्ट है पूरे पे। ये देख लो ये पूरी दीवारें पूरी गिरने को हो रही हैं, और ये कैसे लगाई हुई हैं भाई। चलते चलते हम लोग ये पहुँच गए हैं, ये है इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे इस पे बैठ के हम लोग खाएंगे। ये बना रहे हैं भाई यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, तो देखते हैं इस पे क्या है भाई। इस रेस्टोरेंट का नाम है बॉम्बे, और सबसे अच्छी चीज़ है आप जब इसमें बैठ के खा रहे हो ना तो इस तरीके से पूरे स्ट्रीट में से लोग जा रहे हैं और साइड में ही बैठे हुए हैं बुड्ढों पे, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। इसमें तो हर चीज़ ऐसी मिली है, हॉस्टल में लेटे हो सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। यहाँ पे सब खुला चलता है भाई, है ना। चिकन टिक्का तंदूरी का जो प्राइस है 120 दिरहम है, मतलब सीधा सा लगा लो ये $12 के करीब है। यहाँ पर आ गया है हमारा खाना, जो कि ये है थाली। ये लगा लो इंडिया के 1000 रुपये की थाली है। इसमें इन्होंने 4 तरीके की अलग अलग सब्जियां दी हैं। 3 इसमें जो सब्जियां हैं, ये तो आपका हो गया है चिकन, और एक इन्होंने दाल दी है, राइस दिए हैं, थोड़ा सैलेड है, और थोड़ा इन्होंने रायता दिया है, और यहाँ पर दिया है इन्होंने गुलाब जामुन। इसके साथ में इसी थाली के साथ में एक आता है नान, प्लेन नान, और हम लोगों ने साइड में ऑर्डर किया है गार्लिक नान। नाम क्या है भाई? राहुल। राहुल, और उत्तराखंड से हो आप? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 1.5 साल हो गया। ये था जिन्होंने हमारा यहाँ पे खाना बनाया था, एकदम लाजवाब खाना था। तो आ रहे हो तो भाई को हेलो भी बोलते हुए जाना यहाँ पे, और इनका खाना टेस्ट करना, आप लोगों को जबरदस्त लगेगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं इतने इंडियन रेस्टोरेंट पे अभी तक खाना खा चुका हूँ, बट ऐसा टेस्ट मेरे को कभी नहीं आया। राइट साइड, हाँ भाई चले जाओ राइट साइड, तोड़ के ये तोड़ के इनके घर घूर और निकल जाओ भाई। ऐसी गलियां है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, यहाँ छुपन छुपाई खेल लो अगर कोई किसी को मिल गया तो। यहाँ पे ना हम लोग गलियां देख रहे हैं, बता दो कहाँ से जाना है भाई। मैं आपको बता देता हूँ भाई, देखो ये गली आ गई है यहाँ पे। मैं भाई को बोल रहा हूँ यहाँ से लेफ्ट जाना है, पहले ये स्कूटर ए बड़ी लेफ्ट। तो भाई देखते हैं यहाँ से लेफ्ट चले जाओ। इस बार मैं गलत हो गया, भाई सही हो गया। हम तो यहाँ पे यही खेल रहे हैं गलियों में, कौन सी गली कहाँ जा रही है। चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं।